हेलो माय स्टूडेंट, आज का क्लास है फिजिक्स विनय क्लासेस पर और टॉपिक का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसके अंदर में आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी कैसा, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जुड़ा हुआ। उसके लिए एक चार्ट बना देते हैं। यू 50 एस ए वी पूरा है उत्सव, UTSAV। और मान लिया यू का जो आंसर है, कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, तो इसमें ले रहे हैं हम यू का वैल्यू, मान लिया जाए 50 मीटर पर सेकेंड, और भी का आंसर ले लिए 70 मीटर पर सेकेंड, और टाइम को मान लिया ले लिए 4 सेकेंड। और जब इसको ये लिखना रहेगा एक्सेलरेशन, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब एस का लिखना है तो ये आ जाएगा 240 मीटर। और अब सोचा जाए कि क्वेश्चंस कैसा कैसा होगा। जैसा कि बताया जा चुका है कि इक्वेशंस हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं। कौन कौन? एक है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। और अगर जोड़ना चाहें तो आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू प्लस वी वाई टू इन टू टी, और एक जोड़ेंगे तो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर एक जोड़ना चाहें तो ट्रेवल डिस्टेंस इन ns सेकेंड, वो हो जाएगा जो अभी इस फार्मूले में आज यूज नहीं करेंगे, फिर भी फार्मूला लिखते रहे ताकि रिकॉल तो हो जाए। तो ये है ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड, और इसका आंसर हो गया Sn - Sn - 1। सॉल्व करके u प्लस 2n - 1 बाई 2 इंटू ए, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला, ये पांचवा फार्मूला और ये छठा फार्मूला है। तो अभी हम यूज करेंगे 1 से लेकर 5 तक। इसमें देख रहे हैं बी है, यू है, ए है, टी है, एब्सेंट कौन है, एस। इसमें देख रहे हैं एस है, यू है, टी है, ए है, एब्सेंट कौन है, तो वी है। इसमें देख रहे हैं कि टी एब्सेंट है, और इसमें देख रहे हैं कि ए एब्सेंट है, और इसमें यू एब्सेंट है। मतलब हर इक्वेशन में एक एब्सेंट है, और पूरा चीज हमारे पास है 5। कौन कौन? उत्सव, शॉर्ट में याद रखिए, जब इसको डिकोड करेंगे तो आएगा उत्सव, उत्सव मतलब यू, यू का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, और कितना अच्छा सेटिंग है, पहले लिखा गया था इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट में लिख दिए तो फाइनल वेलोसिटी, और ए आ गया एक्सेलरेशन, टी आ गया टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट,
इसका है मीटर पर सेकेंड, ये भी है मीटर पर सेकेंड में, टी है सेकेंड में, और ए है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, एस है मीटर में, एसआई यूनिट में, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाइएगा इससे रिलेटेड, तो देखिए क्वेश्चन दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट इतना ही रहेगा। और ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम कैलकुलस से ड्राइव कर चुके हैं, फिर इसी को ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करवाएंगे जब सिखा देंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाई डीएक्स। तो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, और ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन बनेगा, तो 10 क्वेश्चन बनेगा। क्यों 10 बनेगा, क्योंकि हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 में ना कोई भी 3 दिया रहेगा, तो क्या चीज गायब रहेगा, कोई भी 2 गायब रहेगा, एबसेंट रहेगा, तो एबसेंट को क्रॉस कर देते हैं, जैसे इसको क्रॉस कर दिए, इसको क्रॉस कर दिए, तो ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर तैयार करना है, लॉजिक देखो, तो लॉजिक से ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बनाने का तरीका भी। और हमने यहाँ जानबूझ के आंसर लिख दिया है कि सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 अगर सेलेक्ट करेंगे तो 2 जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, और चाहे तो आप बदल बदल के भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा सेट किया है, 3 नंबर लिया है, और कौन कौन लिए हैं, कैसे कैसे लिए हैं बता देंगे बाद में कि क्या सोच कैसे लिए। लेकिन आप सोचिए कि एग्जाम्पल दिए हम, और ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ लिख दोगे सही हो जाएगा, हमने कुछ सोच के लिखा है उसको। अब दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमको 1, 2, 3, 4, 5 चीज में से कोई भी 2 चीज को रिजेक्ट करना है। तो पहला दूसरा रिजेक्ट हो गया, इसका नंबर देख सकते हैं कैसे है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है, ये 5 नंबर में है। तो अभी मैंने क्या किया, 1 और 2 को सिलेक्ट किया, अभी लॉजिक हो गया, क्या लॉजिक होगा आप खुद समझ सकते हैं, गेस करिए। तो गेस में मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं, 1 के साथ 3, और इसी तरह और आगे बढ़ेगा, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, और यहां भी उसी तरह बढ़ा देते हैं लाइन। अब यहां क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3, 1 को और 4 को क्रॉस कर दिया, थर्ड क्वेश्चन तैयार हो गया। इसका होगा 1 और 5 को क्रॉस कर दिया, यहां क्रॉस का मतलब है हम लोग को आंसर फाइंड करना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 से सब हो गया 1 से 2 हो गया 1 से 3 हो गया 1 से 4 हो गया 1 से 5 हो गया, तो 1 का कहानी खत्म हो गया। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से कैसे होगा देखा जाए, तो 2 से होगा 2 के साथ 3, एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, और इसी के बाद और आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन होगा जिसमें लॉजिक सोचिए क्या हो सकता है, तो 2 से 3 हुआ तो अभी 2 से 4 होगा, फिर अगर इसके बाद अगर और सोचेंगे तो आएगा नेक्स्ट में 2 से 5, तो 2 नंबर और 5 नंबर है, देखिए 2 नंबर है, इस तरह से 7 क्वेश्चन तैयार हुआ, और भी अभी क्वेश्चन तैयार होगा। वो कैसे, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं,
अब होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो 2 से 3 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 5 हो गया, 2 का भी कंप्लीट हो गया। अब होगा 3 से, तो 3 से 4, ये 3 हो गया, 3 वाला क्रॉस कर दिए और ये 4 वाले को भी क्रॉस कर दिए, 3 से 4। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, 8वां नंबर। और अब इसको नेक्स्ट होगा 3 से ही 5, और इसको भी उसी तरह बंद कर देते हैं बॉक्स में। और एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो आया कि 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन कैसा होगा, तो इसको बोल सकते हैं कि 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, तो अब बच गया 4 से 5। तो 4 से 5 क्या लिख देते हैं, 4 से 5। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन तैयार हुआ। और अब इसको एक डब्बे में बंद कर देना, 10 क्वेश्चन। और यही 10 क्वेश्चन को घर में होमवर्क के रूप में अभ्यास कर लीजिए। इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन को अभी पहले अटेम्प्ट करके दिखाते हैं कि कैसे सोचते हैं। तो अभी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये एप्लीकेशंस है, कॉन्सेप्ट क्लास हो गया है इसलिए इसका एप्लीकेशन दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन दोनों ही आपको क्लास में मिलेगा। अब देखा जाए ये जो 2 क्रॉस हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 जो है इसको एक लिख देते हैं कि गिवेन है, तो गिवेन के लिए कुछ एक सिंबल दे देते हैं। मान लिया जाए कि राइट लिख दीजिए, तो पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया 3 राइट है, मतलब 3 दिया हुआ है, और ये 2 क्रॉस है, मैंने 2 आंसर निकालना है। जब सॉल्व करेंगे तो 4 सेकंड आंसर आएगा, इसका 50 मीटर पर सेकंड आएगा। उसी तरह करके दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो यहां पर ये दोनों फाइंड करना है और ये 3 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, गिवन माने राइट का मतलब हो गया गिवन, अब क्रॉस का मतलब हो गया अननोन, मतलब फाइंड करना, वो गिवेन है और वो फाइंड कर लिया। इसी तरह आप और भी सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चंस 3 फाइंड करना है, यहां पर भी ये 3 फाइंड करना है, और यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये तीनों दिया हुआ है, यहां भी इसी तरह ये तीनों गिवेन है और यहां पर भी ये तीनों गिवन है। और इसी में अब देखा जाए नेक्स्ट ये क्या है, तो ये वाला 3 गिवन है, यहां पर ये 3 गिवन है और यहां पर ये 3 गिवन है। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं घर में, आप खाली ये जो हम लिखे हैं एक्सप्लेन किए हैं, स्क्रीनशॉट है ही,
वीडियो है ही, पहले फॉर्मूला रखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, चौथा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी u प्लस v बाई टू इंटू टाइम इंटरवल t, और ये s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और ट्रेवल डिस्टेंस इन एन एस सेकेंड एस एन माइनस वन सॉल्व करके ये आंसर आएगा। छठा का भी जरूरत नहीं है इसलिए अभी इसको फिलहाल इस पर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, इसका भी अलग से न्यूमेरिकल करा देंगे क्योंकि वो जेई मेन में आता है, उसका क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बता देते हैं। एक रहेगा कि कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली अंडर ग्रेविटी ड्रॉप कर दिया है और अपने मोशन के लास्ट सेकेंड में वो चलता है, मान लिया जाए एक नाम दे देते हैं कि वो मतलब पूरे हाइट का 9/25 ट्रेवल किया है, तो बताओ कि कितने हाइट से वो गिराया गया और कितना टाइम लगा चलने में, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन होता है, वो फेमस क्वेश्चन है, वो देता ही है जेईई मेन में, और अच्छा कंसेप्ट है वो। और अब देखा जाए इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाए जाए ताकि समझ में आए कि कैसे बनाते हैं, तो मैं चालू करूंगा रिवर्स ऑर्डर में। अभी मैं 10वां नंबर क्वेश्चन का एक विजुअल दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि ये क्वेश्चन का सेंस क्या है। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में कैसे लिखा जा सकता था 10वां नंबर क्वेश्चन को, कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन with uniformly accelerated, find the acceleration of the object and final velocity when initial velocity be 50 meter per second and time taken during the motion 4 second and travel distance is 240। तो लैंग्वेज में हो गया, उसी को मैंने कॉम्पैक्ट करके एक फॉर्मेट बना दिया, और यही फॉर्मेट में ये 10 तरह का क्वेश्चन हो गया। जो भी बच्चे फाउंडेशन कोर्स वाले हैं वो भी इसका प्रैक्टिस करें, जो जेई मेन वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करें, और जो जेई एडवांस वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करें, सभी में काम देगा। देखिए जेई एडवांस, जेई मेन और 11, 12, 9, 10 सब एक ही है, अंतर सिर्फ क्या है कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है जेई एडवांस में थोड़ा टफ होता है और जेई मेन में थोड़ा उससे नीचे होता है, 11, 12 में उससे नीचे होता है, 9, 10 में उससे नीचे होता है, इवन 6, 7, 8 में भी कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? मैथमेटिक्स में लिख देगा कि भाई आपके पास अलजेब्रा में ये फार्मूला है, और बोलेगा कि ये चार्ट बना देगा, बोलेगा भाई सर आंसर निकालो। ये किस क्लास का हो गया? क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए अलजेब्रा हो गया, और अलजेब्रा 6 से 8 के बच्चों के लिए जबरदस्त पढ़नी चाहिए, और ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं है। ज्योमेट्री से ही अलजेब्रा का जन्म हुआ, अंकगणित का जन्म हुआ, उसी से ही ट्रिगोनोमेट्री, उसी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी से सॉलिड ज्योमेट्री, उसी से मेंसुरेशन, उसी से वेक्टर्स, और उसी से ही कैलकुलस। तो सभी चीजों का जो ओरिजिन है वो ज्योमेट्री है। जो बच्चे ज्योमेट्री में स्ट्रांग है वो हमेशा मैथ में स्ट्रांग रहेंगे, और तीन पेपर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कोई भी एक पेपर स्ट्रांग है तो इंजीनियरिंग कन्फर्म है, जिसका दो पेपर अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो और भी बेस्ट है, और जिनका तीनों अच्छा है कहना ही नहीं है सबसे अच्छा है, और तीनों में भी कोई मास्टर डिग्री लेवल तक अगर पढ़ के बैठा हुआ है तो दी बेस्ट है, थोड़ा नीचे है तो ऑनर्स लेवल तक, तो डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा होता है। तो आइए देखा जाए 10th नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या क्या गिवन है देखिए, तो लिखते हैं यहां पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 10th। गिवन है यहां पर यू 50 मीटर पर सेकेंड, गिवन है टाइम 4 सेकेंड, और गिवन है displacement
240 मीटर। और फाइंड क्या करना है उसको रेड से लिख दे रहे हैं, तो फाइंड में है एक्सेलरेशन और है फाइंड में फाइनल वेलोसिटी। अब आजाद हो किसी भी फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हो, और जो बच्चे कमजोर है उनको मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। क्या करो, कुछ नहीं समझ में आए तो पहले पहला फॉर्मूला बनाओ, अगर उसे नहीं बनता है तो दूसरा में ट्राई करो, उसके बाद तीसरा में ट्राई करो, और बाद में चौथा में ट्राई करो, पांचवा में ट्राई करो, किसी से भी ट्राई करो, आंसर लाना है बाई बुक और बाई क्लॉक। तो देखा जाए कि यू टी एस दिया है, किस फॉर्मूला को लगाया जाए कि बन जाए। तो चलिए हम भी एकदम वो सोच के चलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है और हम बनाना चालू कर रहे हैं, तो पहले सोचेंगे चलो पहला फॉर्मूला लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है पहला फॉर्मूला लगाने से। तो जैसे ही पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो दे रहा है कि वी बराबर यू प्लस ए टी। तो यहां समस्या हो गया, वी भी नहीं मालूम है और ए भी नहीं मालूम है, दो दो चीज नहीं मालूम है, इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आगे सोचेंगे दो नंबर में, तो दो नंबर में देख रहे हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूज करेंगे एस, देख रहे हैं तो पुट करते रहे एस कैंसर्स, एस कैंसर कितना है 240 है, यू कितना है 50 है, टी कितना है 4 है, हाफ का हाफ लिख दी, ए कितना है नहीं मालूम लिख दिया, इसे ए को ए, टी कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहां देख रहे हैं यू टी एस तीनों दिया हुआ था, उसको पुट कर दिए, अब ये इक्वेशन हो गया जो क्लास 7-8 में अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 6-7-8 में। तो ये 6-7-8 के लेवल, मतलब स्टैंडर्ड 6-7-8 के बच्चे जो कि पढ़ते हैं अलजेब्रा, जो पढ़ते हैं ज्योमेट्री, दो मेन समझिए और भी है लेकिन हम मेन अभी दो को फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप 6-7-8 का भी ज्योमेट्री जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि 19 के ज्योमेट्री में 6-7-8 के ज्योमेट्री में क्या फर्क है। 6-7-8 के ज्योमेट्री में एप्लीकेशन होता है और 9-10 में एप्लीकेशन विथ प्रूफ रहता है, इसलिए बस इतने ही का फर्क है। तो कोई बात नहीं, 6-7-8 का बच्चा 19 लेवल के जैसा ड्राइवेशन नहीं जानता होगा मान लिया, लेकिन फार्मूला तो याद कर सकता है ज्योमेट्री का, तो इसलिए वो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को खाली समझेगा विदाउट प्रूफ और उसके ज्योमेट्री से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। अलजेब्रा 6-7-8 में भी पढ़ाया जाता है, 9-10 में भी पढ़ाया जाता है, 11-12 में भी पढ़ाया जाता है, जानते हो IIT में अलजेब्रा सबसे टफ होता है, लगभग वो है 33% और महान महान चैप्टर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तीसरा हो जाएगा समझ लो सीक्वेंस एंड सीरीज, और चौथा में आ जाता है लॉगरिथम, पांच में आ गया प्रोनेशन क्वेश्चन, छठा में बाइनोमियल, सात में मैट्रिसेस, आठ में डिटरमिनेंट, नौ में प्रोबेबिलिटी, ये 9 ग्रह है। तो स्वाभाविक है टफ है, लेकिन अलजेब्रा 6 से चालू हो जाता है तो वहीं से कुछ कुछ सीखते रहिए और अलजेब्रा के हेल्प से ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला जानिए है और उसका एप्लीकेशन है। ओके, मत सोचिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सोचिए कि अलजेब्रा का ये इक्वेशन दिया हुआ है, या आइडेंटिटी बोलिए और इक्वेशन बोलिए ज्यादा अच्छा है, फिजिकल इक्वेशन है और इसी के हेल्प से एप्लीकेशन करना है। तो इस तरह से ये 6-7-8 के बच्चों का भी लेवल हो गया और 9-10-11-12 का तो हो ही गया, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं फॉर
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ सर। और जो भी हम लोग का ये टॉपिक्स चल रहा है, ये है फिजिक्स और इसमें भी है मैकेनिक्स और उसमें भी है काइनेमेटिक्स और उसमें है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से सॉल्व करने से, जब इसको सॉल्व करेंगे 6 या 8 के अलजेब्रा सब का यूज करते हुए, तो क्या आएगा देखिए, ये तो आ गया 240 15 टू 4 200 और ये 4 का स्क्वायर 16 को 2 से डिवाइड करना है तो 8a आ गया। ये क्या है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन है जिसमें अननोन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सबको जानते हो लीनियर इक्वेशन पढ़ाई होता है क्लास 7 में, क्लास 8 में और थोड़ा बहुत 6 में। ये तो 6 से 8 का लेवल का क्वेश्चन हो गया, इसमें IIT और PhD की आवश्यकता ही नहीं। तो जैसे ही इसको उठा के इधर लाएंगे तो 240 माइनस 200 ये हो जाएगा 40, यहाँ पर यहाँ गया 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ये क्या होगा 40/8 सॉल्व करके 5 m/s² और यही आंसर 5 m/s² क्वेश्चन नंबर 10 का ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए सही हो गया। और अब निकालना है भी, तो फिर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप सबसे ट्राई करके देख लीजिएगा। तो फिर मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ जिसको मैं छोड़ दिया था, तो फॉर्मूला नंबर लगा देते हैं अभी हम भी बराबर U+18। और दिया हुआ था UTS, उसका यूज तो कर सकते हैं, पर अभी हमने निकाल दिया है ए, अब ए का भी यूज कर सकते हैं। तब तो चार चीज जानकारी हो गया, UTS पहले से मालूम था, सॉल्व करके ए निकाल लिए, अब भी निकालना तो आसान है, तो इसलिए यहां पर भी को छोड़ देंगे, निकालना है यू का आंसर 50 है, बैठा देंगे यू का आंसर 50। जैसे यू को 50 यहां पुट करेंगे, ए देखेंगे कितना है, तो ए का आंसर अभी निकाले थे 5 पुट कर देंगे, टाइम पुट करेंगे 4 है, तो जानते हैं कि 5 × 4 = 20 हो जाएगा। अब हम लोग समझ लो ये छोटे क्लास में चले गए 3, 4, 5 उसका भी यूज हो रहा है, और उससे भी यूज केजी नर्सरी का 1, 2 भी हो रहा है कि हाँ ये 5 है, ये 50 है, ये 4 है, ये इंटू है, ये ऐड है, तो हर चीज तो यूज होता है। और इसी के बाद आ जाएगा 50 + 20 = 70, तो 70 m/s हो गया भी, और ये 70 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 का 70 यहां पर दिख रहा है आंसर। तो कहने का अर्थ है कि एक मैंने वीडियो में दिखाया कि 10 क्वेश्चंस में मैं एक ही करा दिया, तो 9 क्वेश्चन अपने घर में ट्राई कीजिए एज ए होमवर्क, इसको समझ लीजिए कि लिख दे रहे होमवर्क। और दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा और उसके लिए एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो आप बना ही नहीं सकते एग्जाम में, लेकिन सबसे जरूरी है पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही आत्मा है, सोल है, ठीक है। और जो ऐसे एप्लीकेशंस कर रहे हैं वह है बॉडी, बॉडी माइंड एंड सोल, तीन चीज होता है ना BMS, बॉडी माइंड एंड सोल। सोल हो गया कंसेप्ट, सोल को बोलते हैं कंसेप्ट, और ये जो है बॉडी हो गया समझो एक तरह से एप्लीकेशंस। और ये जो बीच वाला है माइंड, क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि मेरा क्वेश्चन अप्लाइड हो जाए, तो कंसेप्ट विथ एप्लीकेशन, ठीक है। इसको लिख देते हैं, यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा जब यहां कम है।
यहां लिख देते हो ऊपर में BMS, बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी का हो गया एप्लीकेशंस, सोल बोल दिए कंसेप्ट को, और माइंड को यहां लिख देते हैं, ये है कंसेप्ट विथ एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन करने से कोई फायदा नहीं, और खूब लंबा चौड़ा खूब कंसेप्ट रखे हुए और क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हो एग्जामिनेशंस के। फिजिक्स के एग्जाम में मान लो 1 घंटा का रहता है, केमिस्ट्री का 1 घंटा रहता है, मैथ 1 घंटा रहता है, सब मिला के 3 घंटे का रहता है। तो मैथ के लिए तो 1 ही घंटा हुआ ना, फिजिक्स के लिए 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटा में फिजिक्स नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था। इसलिए ये तीनों में कॉन्सेप्ट हमेशा बड़ा होगा, माने सोल जो है हमेशा बड़ा है, और उसके बाद समझिए कि आपका एप्लीकेशन आता है। ये नहीं कि एप्लीकेशन, बहुत लोग बोलते हैं एप्लीकेशन इसलिए कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही पढ़ो ना जी, बहुत है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर कंपेयर टू एप्लीकेशन। तो पढ़ने के तरीके में पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए और उसके बाद एप्लीकेशन करिए, अपने आप यहां पहुंच जाइएगा, और यहां ही रिजल्ट है। दिस वॉज रिजल्ट, इसी को बोलते हैं रिजल्ट या सक्सेस। सक्सेस का मतलब हुआ इस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगभग ये वाला टॉपिक्स हो गया खत्म, और इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और इन सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसके बाद वाले कड़ी में मिलते हैं, तो फिर कुछ और चीज बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह डटे रहिए, लगे रहिए, भिड़े रहिए, और अब हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशंस भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दे रहे हैं। लेकिन देना था, क्योंकि धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तभी ना, तभी कॉन्सेप्ट कुछ बढ़ चुका है, लगभग 75 वीडियो मार्केट में आ चुका है, और सभी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रन कर रहा है, तो इसलिए अब एप्लीकेशन भी चालू हुआ। जो बच्चे जेई मेन के हैं, जेई एडवांस के हैं, जो 9-10 के हैं, 11-12 के हैं, सभी के लिए ये एक सूत्री कार्यक्रम में सबका कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।